जय हिंद दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, मैं और नई ऑडियो बुक लाता रहूंगा। तो चलिए सुनते हैं यह कहानी दीक्षा, खंड 7। आश्रम में पहुंचते पहुंचते अंधकार पूरी तरह घिर आया था। आश्रम के आसपास के सारे मार्ग पूरी तरह से जनशून्य हो गए थे और मनुष्य का स्वर कम, वन्य पशुओं का स्वर ही अधिक सुनाई पड़ रहा था। पर आज वन्य पशुओं के उन स्वरों के साथ राक्षसों के शिविर का उच्चृंखल कोलाहल कहीं नहीं था। आश्रम में प्रवेश करते ही गुरु विश्वामित्र ने सुकंठ तथा गहन की पुत्र वधुओं के स्वास्थ्य के विषय में जिज्ञासा की। पता चला कि उन तीनों का स्वास्थ्य सुधर रहा है और उनकी अवस्था अब चिंतनीय नहीं है। विश्वामित्र का मन कुछ आश्वस्त हुआ। अपनी कुटिया में आकर गुरु अपने आसन पर बैठ गए। राम और लक्ष्मण को उन्होंने समीप ही अपने सम्मुख बैठने का संकेत किया। वे कुछ क्षण आत्मलीन रहे और फिर सहसा बहिर्मुख होकर बोले, पुनर्वसु, वत्स, समस्त आश्रम वासियों को सूचना दो कि सबको कुटिया के सम्मुख वाले आंगन में तत्काल उपस्थित होना है। चिकित्सा कठीर के रोगियों तथा उनकी सेवा सुश्रुपा करने वाले जनों को छोड़ शेप सब लोग उपस्थित हों, अत्यंत आवश्यक कार्य है। पुनर्वसु आज्ञा का पालन करने चल पड़ा। गुरु राम की ओर उन्मुख हुए। राम, मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा हूं कि राक्षस लोग रात के समय आश्रम पर आक्रमण करेंगे या नहीं। राम की अपनी सहज मंद मुस्कान उनके मुख पर प्रकट हुई। बोले, आर्य श्रेष्ठ, प्रश्न यह नहीं है कि राक्षस कब आक्रमण करेंगे, प्रश्न यह है कि वे किस घड़ी में मरना चाहते हैं। वे लोग उसी क्षण आक्रमण करेंगे। विश्वामित्र अत्यंत आश्वस्त भाव से राम को निहारते रहे। राक्षसों के विषय में ऐसी बात कहने वाला अपने जीवन में गुरु को यह पहला ही पुरुष मिला था। अब तक उन्होंने राक्षसों के नाम पर पीले पड़ते हुए चेहरे, कांपते हुए हाथ और भागते हुए पांव ही देखे थे। स्नेह से भीगी वाणी में गुरु बोले, तुम्हारी शक्ति, वीरता, न्याय बुद्धि तथा दृढ़ निर्णय राक्षसों के काल हैं, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। पर पुत्र, मुझे और भी बहुत कुछ सोचना है। मुझे आश्रम वासियों को इस युद्ध के लिए तैयार करना है। उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी गुरुदेव। राम मुस्कुराए, मैं और लक्ष्मण ही राक्षसों के लिए पर्याप्त हैं। क्यों लक्ष्मण? लक्ष्मण का मुख उल्लास से खिल उठा। राम ने उनके ही मन की बात कही थी। बोले, पर्याप्त तो भैया राम अकेले ही हैं, पर हम दोनों मिलकर भी पर्याप्त हैं। विश्वामित्र शून्य में घूर रहे थे, जैसे साक्षात भविष्य को अपनी खुली आंखों से देख रहे हों। बोले, तुम्हारे कथन में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है राघव, किंतु यह न्याय का युद्ध है। मात्र तुम्हारे और लक्ष्मण के लड़ लेने से हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इस संपूर्ण क्षेत्र के प्रजाजन, राक्षसों तथा उनके सहयोगी अनेक आर्यों के दुर्विनीत अत्याचारों को सहते सहते न केवल निष्क्रिय, कायर तथा सहिष्णु हो गए हैं, वरन वे लोग न्याय के प्रति अपनी निष्ठा, तेज, आत्मविश्वास सब कुछ खो चुके हैं। उनके सहयोग के बिना, उनके द्वारा किए गए किसी भी प्रयत्न के अभाव में यदि तुम समस्त राक्षसों का विनाश कर दोगे तो उनका तेज और आत्मविश्वास नहीं लौटेगा। वे लोग यह मान लेंगे कि वे अत्याचारियों से लड़ने में अक्षम हैं। भविष्य में जब कभी फिर कोई राक्षस जन्म लेगा, ये ही प्रजाजन उसके अत्याचारों को प्रतिरोध रहित होकर सहन करेंगे और फिर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। राम, तुम राक्षसों का नाश करने के साथ साथ प्रजाजनों का तेज तथा आत्मविश्वास लौटाओ, न्याय में उनकी खोई आस्था और निष्ठा उनमें पुनः प्रतिष्ठित करो, तुम उनमें रामत्व स्थापित करो। अवतार की आवश्यकता दुर्बल प्रजा को होती है पुत्र, तेजस्वी प्रजा अपने आप में ईश्वर का रूप होती है। अतः प्रजा की रक्त दीक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अदीक्षित प्रजा की सहायता से की गई क्रांति बहुधा दिग्भ्रमित हो जाती है और संत के रूप में छिपे भेड़िये निरीह प्रजा का रक्त चूसने लगते हैं। राम स्वीकृति में मुस्कुराए, आपकी इच्छा पूर्ण हो गुरुदेव। मैं नहीं चाहूंगा कि राक्षसों को मारकर अयोध्या लौट जाऊं और बाद में बहुलाश्व और देवप्रिय राक्षस होकर प्रजा की अस्थियां चबाएं। तभी पुनर्वसु ने आकर सूचना दी, गुरुदेव, समस्त आश्रमवासी बाहर के आंगन में एकत्रित हो चुके हैं, चलो वत्स, हम आ रहे हैं। गुरु के उठते ही राम तथा लक्ष्मण भी उठ खड़े हुए। गुरु पूर्णतः सहज और शांत थे, उनकी चाल में कोई उद्वेग नहीं था।
अत्यंत सहज गति से वे कुटिया से बाहर निकले। उनके आगे आगे पुनर्वसु चल रहा था और दाएं बाएं राम एवं लक्ष्मण थे। बाहर एक विशाल जनसमुदाय एकत्रित था। प्रत्येक आयु के स्त्री पुरुष उनमें थे, सिद्ध, आर्षि, मुनि, तपस्वी, साधक तथा ब्रह्मचारी। पर सब लोग पूर्ण शांति से बैठे थे, कहीं कोई कोलाहल नहीं था, वरन वातावरण में एक प्रकार की निस्तब्धता थी। विश्वामित्र को देखते ही जनसमुदाय ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आर्षि आशीर्वाद देकर बैठ गए। राम तथा लक्ष्मण उनसे तनिक हटकर पीछे बैठे। जन समुदाय शांत अवश्य था, किंतु उनके चेहरे उत्सुक थे। राशि क्या कहना चाहते हैं? विश्वामित्र के साथ आने वाली तापस मंडली से उन लोगों को सूचना मिल चुकी थी कि सम्राट दशरथ के राजकुमार राम और लक्ष्मण कलपति के साथ आए हैं। राम के अदभुत पराक्रम की बात भी उन लोगों तक पहुंच चुकी थी। ताड़कावध के समाचार से प्रत्येक आश्रमवासी अवगत था। विश्वामित्र ने बोलना आरंभ किया, तपस्वीगण, अब तक के समाचार आपको ज्ञात होंगे। अब तक राक्षसों से हमारा केवल संघर्ष चल रहा था, आज हमने अपनी ओर से युद्ध की घोषणा कर दी है। ताड़का का वध राम ने किया है। राम और लक्ष्मण आश्रम की रक्षा करने के लिए हमारे मध्य हैं। किंतु आप लोग जानते हैं कि असावधानी से नहीं लड़ा जाता, और न्याय का युद्ध अकेले व्यक्ति का युद्ध नहीं है। अतः यह युद्ध प्रत्येक आश्रमवासी को ही नहीं, इस संपूर्ण जनपद की प्रजा को लड़ना है। जिसके पास जो भी शस्त्र हो वह उसे धारण करे और सन्नद्ध रहे। और मुनि आजानुबाहु, आर्य कुलपति, मुनि आजानुबाहु अपने स्थान से उठकर विश्वामित्र के सम्मुख आ बैठे। बहुत समय के पश्चात विश्वामित्र ने मुनि के मुख पर अपने प्रति अविश्वास के स्थान पर स्वागत का भाव देखा था। मुनि बहुत प्रसन्न और तत्पर लग रहे थे। सूचनाएं प्रसारित करने का कर्तव्य आप संभालें, यथासंभव जितने अधिक ग्रामों को सूचना भिजवा सकें भिजवा दें कि ताड़का का वध हो चुका है और शेष राक्षसों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने के लिए, आश्रमवासियों की सहायता के लिए उन्हें यथाशीघ्र यहां पहुंचना है। किंतु मुनिवर, संदेश उन ब्रह्मचारियों के हाथ भेजें जो इस अंधकार में भी वन में से होकर जा सकें और स्वयं को राक्षसों की दृष्टि में पड़ने से बचा सकें। और आचार्य विश्वबंधु, गुरु मुड़े, आचार्य कुलपति, आप आश्रमवासियों की सशस्त्र टोलियां आश्रम की सीमा के साथ साथ नियुक्त कर दें। यथासंभव कुछ लोग आश्रम की सीमा के आगे वन में गुप्त रूप से रहें। वृद्धों, स्त्रियों तथा शिशुओं को उनके कुटीरों में भेज दें। आश्रम वाहिनी का मुख्य भाग इसी स्थान पर रात्रि भर सन्नद्ध रहे। कुछ टोलियां सारे आश्रम में फेरियां लगाएं। सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था विशेष सावधानी से की जाए। और विश्वामित्र उठ खड़े हुए, आओ राम लक्ष्मण, हम चिकित्सा कुटीर में चलें। वत्स पुनर्वसु, मार्ग दिखाओ। कुलपति चले गए। मुनि आजानुबाहु और आचार्य विश्वबंधु उनकी आज्ञाओं का पालन करने में जुट गए। वे लोग चिकित्सा कुटीर तक पहुंच गए थे। भीतर प्रवेश करते हुए गुरु ने कहा, आओ वत्स, तुम्हें दिखाऊं वे लोग कैसा कैसा अत्याचार करते हैं। राम और लक्ष्मण गुरु के साथ चिकित्सा कुटीर में प्रविष्ट हुए। वे लोग जाकर सुकंठ की चारपाई के पास खड़े हो गए। उन्हें देखते ही सुकंठ उठकर बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके शरीर पर पट्टियां अब भी थीं, किंतु पहले से उसकी अवस्था काफी सुधर चुकी थी। कैसे हो सुकंठ? गुरु ने पूछा। आपकी कृपा है आर्य कुलपति, सुकंठ मुस्कुराकर बोला। मैंने यहां सुना है कि राम ने ताड़का का वध कर दिया है। कैसे बताऊं मैं कितना प्रसन्न हूं गुरुदेव। जो भी आश्रमवासी मेरे पास आया उसकी जिह्वा पर यही चर्चा थी। सबके भीतर एक नया उत्साह जाग उठा है। तात आश्रम का बच्चा बच्चा अब राक्षसों का काल बनने का स्वप्न देख रहा है। लोग इतने अल्प समय में कैसे इतने बदल गए हैं गुरुदेव। यह सब राम का प्रभाव है पुत्र, गुरु ने स्नेह भरी दृष्टि से राम को देखा। मेरा मन होता है आर्य कुलपति, सुकंठ बोला, मैं भी चारपाई छोड़कर राम के साथ राक्षसों के विरुद्ध लड़ें। इस समय चारपाई पर लेटे रहने से ग्लानी मुझे बहुत पीड़ित कर रही है। पहले पूर्णतः स्वस्थ हो जाओ मित्र, राम ने आगे बढ़कर स्नेह से सुकंठ के कंधे पर हाथ रखा। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध न तो यह पहला युद्ध है और न अंतिम। तुम्हारे भीतर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का भाव है तो तुम्हें अपने जीवन में अनेक अवसर मिलेंगे। ऐसे युद्ध के लिए न तो कोई विशिष्ट समय होता है न विशिष्ट स्थान।
जहां कहीं अन्याय नजर आए वहीं लड़ो। सुकंठ मुग्ध सा राम को देखता रहा। गुरु आगे बढ़ गए। गहन की बहुओं की चारपाइयों के पास भी वे लोग गए। वे पहले से अधिक स्वस्थ थीं, उनसे अधिक बातचीत नहीं हो सकी। ग्राम की निपट भोली निषाद युवतियां गुरु को देखते ही सम्मान और श्रद्धा से मूक हो गईं। फिर साथ राम और लक्ष्मण भी थे, दो अत्यंत सुंदर, स्वस्थ तथा उदार हृदय आर्य राजकुमारों को अपने इतने समीप पाकर संकोच ने उन्हें और भी अधिक घेर लिया था। वे दोनों ही अपनी पीड़ित आंखों में कृतज्ञता के अश्रु लिए मुग्ध भाव से उन्हें निरंतर देखती रहीं। पर गुरु कुछ चिंतित हो गए थे। उन्हें बताया गया था कि जैसे ही गहन के पुत्रों ने राम के द्वारा ताड़का वध का समाचार सुना और राक्षसों के संभावित आक्रमण की सूचना उन्हें मिली, वे दोनों ही तत्काल वहां से लुप्त हो गए। कहां गए ये किसी को भी मालूम नहीं था, उनकी पलियों को भी नहीं। कहां गए गहन के पुत्र? गुरु सोचते रहे क्यों गए। क्या ताड़का वध का समाचार सुनकर वे लोग अपनी प्रसन्नता रोक नहीं पाए और अपने ग्राम बंधुओं को सूचित करने के लिए चल दिए, अथवा राक्षसों के संभावित आक्रमण के भय से कहीं पलायन कर गए? पर वे लोग अपने व्यवहार और वार्तालाप से कायर तो नहीं लगते थे। फिर उन दोनों की पलियां यहां हैं, वे बताकर क्यों नहीं गए? तो क्या जन सामान्य में उनका विश्वास झूठा है? क्या उनकी यह युक्ति भी असफल रही? राम और लक्ष्मण को सिद्धाश्रम में लाने तथा ताड़का के वध का फल कुछ भी उत्साहवर्धक नहीं हुआ? क्या गहन के पुत्रों का आत्मविश्वास, प्रतिशोध का भाव नहीं जागा? राम और लक्ष्मण की उपस्थिति यदि गहन के पुत्रों के भीतर वीरता, साहस, आत्मविश्वास और अत्याचार के विरुद्ध आक्रोश नहीं जगा सकी, तो शेष आश्रमवासियों पर भी राम के कृत्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर उनके इतने उद्यम की क्या सार्थकता है? पर अभी से उनको अपने मन में कोई निश्चित धारण बालायक नहीं बना लेनी चाहिए। वैसे भी जब तक कोई और सूचना न मिले, तब तक किसी निर्णय पर पहुंचना कठिन था, और इस समय अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य उनके सम्मुख पड़े थे। गुरु वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। अगर आपको ये ऑडियो बुक सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ऐड करें।